अब भाषण का जिक्र आप कर रहे हैं, आजकल आपके भाषण जो हम सुन रहे हैं वो जिसको कहते हैं कि थोड़े हार्ड लाइनर आप बनते जा रहे हैं, ऐसा कहा जाता है आपके बारे में। आजकल आप खूब हिंदुत्व से परिपूर्ण भाषण देते हैं, एक हार्ड लाइन आपने पकड़ ली है। ये हार्ड लाइन और सॉफ्ट लाइन कुछ होती नहीं है भैया, जो हिंदू होता है वो हिंदू होता है, नो हार्ड लाइनर होता है ना सॉफ्ट लाइनर होता है। और मैं एक बात बताता हूँ कि मेरे लिए आप पूछेंगे हिंदुत्व क्या है जी, तो मैं ये कहता हूँ कि जो टॉलरेंट है वो हिंदू है। पर टॉलरेंस का अर्थ ये नहीं है कि कोई आपके गाल पे एक तमाचा मारे तो आप दूसरा गाल आगे करो, एक तमाचा मारेगा तो दो तमाचे मारेंगे। टॉलरेंस हमारे लिए ये होता है कि सभी प्रकार के जो विचार है उन विचारों को हम टॉलरेट करें। सभी को अपनी पूजा पद्धति का अधिकार है, सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है, सभी को जिस प्रकार से वो लोग अपने फेथ को एक्सरसाइज करना चाहते हैं उसका अधिकार है, ये हिंदुत्व है। और मैं तो पैदा ही हिंदू हुआ हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, मैं कार सेवक रहा हूँ, तो हिंदुत्व तो मेरे नस नस में है। तो इसलिए कोई हार्ड लाइन सॉफ्ट लाइन का सवाल नहीं है, मैं सुलझा हुआ हिंदू हूँ, आई एम अ प्राउड हिंदू।